गुड मॉर्निंग। अपना प्रश्न था नौ उसमें 16.3 नौ का प्रश्न है एक शंकु की चीजें ऊंचाई एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या करो तो इसकी त्रिज्या 11। इसका हल सबसे पहले आप ये देखो कि क्या दिया हुआ है। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये चीजें तो अपने को जरूरी है, ज्ञात क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई एल और त्रिज्या क्या आर। तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं एल से और त्रिज्या को किससे लिखते हैं आर से। इज इक्वल टू 7/4 ये अनुपात दिया हुआ है आपने को। अब वजन पूरा कर लो एल इज इक्वल 4L इज इक्वल टू 7 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब एल इज इक्वल टू 7/4 एल इज इक्वल टू क्या आया अपना एल का मान अपने इसे निकाला क्या आया 7/4 एल का मान लगे। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है वक्रपृष्ठ का क्षेत्र। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है कितना 792। क्यों पाई आर एल पाई आर एल इज इक्वल टू 792 है ना। अब इसके अंदर एल का मान रखते हैं तो पाई आर इंटू एल क्या 7/4 इज इक्वल टू 700। अब देखो क्या किया इस पहले जो हमने अपने को इक्वेशन प्राप्त की उससे अपन ने एल का
पाई का पाई, आर का आर, एल का मान कितना 7r/4। अब इसको सरल कर लो, तो ये क्या हो गया, पाई का मान कितना 22/7 इंटू 7r/4 इज इक्वल टू क्या आया, 7/4। अब इनको इसके नीचे एक मान और वजन मान एक से गुणा किया, क्या आया 22 × 7r² इज इक्वल, ये इसके हो गए 7 × 4 × 792 r² इज इक्वल टू क्या आया 7 × 4 × 792 बटा ये इससे गुणा करें 22 × 7 ये आ गई 22 × 7 सात से सात कट गए है ना। अब इनको काट दो क्या आया 2 से काटे ये क्या आया 11। अब ये 11 से कटते हैं 11 से काट दो तो 11 × 7 = 77 दो से इसमें से 2 उतर 2 भाई 11 × 7 = 77 2 बचे ये 2 उतर 22 हो गई 11 × 22 तो ये कितनी बार कटा बेहतर ना। तो इसके आगे क्या आ गया r² = बेहतर इंटू 2 144 बेहतर को 2 से गुणा किया 144 तो r² = 144 r = 144 या r = 144 का वर्गमूल निकाला किसका वर्ग है 12 12 सुधी। तो अपने को क्या क्या प्रश्न दिया आने वाला है अपने 12 सुधी इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी ना इसलिए त्रिज्या बराबर आकार के
तेल के आधार की परिधि, तेल के आधार की परिधि कितनी है? 44 मीटर है। 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो। वायु का आयतन ज्ञात क्या दिया हुआ आपने? एक 9 मीटर ऊंचा है और शंकु के आकार का टैंक है, उसके आधार की जो परिधि है वो कितने मीटर है? 44 मीटर। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो, यानी उस शंकु का अपने को इसके अंदर कितनी वायु आ सकती है उसका आयतन अपने को ज्ञात कर। अब अपने को सबसे पहले ये देखो कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को? शंकु के आकार के टैंक की आधार की परिधि दी हुई है। परिधि देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? परिधि इक्वल टू पाई आर। परिधि इक्वल टू 2πr। अब 2πr इज इक्वल टू कितना दिया आपने को? परिधि 44। आर का मान निकालो, या आर इज इक्वल टू 44 बटा 2π, 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, 22 44 आर बराबर 7। और अपने को शंकु की ऊंचाई दे रखी थी, तो शंकु की ऊंचाई एच कितने मीटर है? 9। और इसको कितने से गुणा करना?
तीन से चार के बारे को दो से ले पांच से पंद्रह से सोलह को छह से ले कितने ले चार घन आज की कई क्या होती है घन संख्या मीटर में है ना तो घन मीटर तो इस उस शंकु के अंदर कितने घन मीटर वायु आ सकती है 462 घन मीटर ये इसके उत्तर करेंगे मिटा दो यानी
10 सेंटीमीटर और एच कितनी 18 सेंटीमीटर, एच है 18 सेंटीमीटर, है ना। तो अपन शंकु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, शंकु का एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर है सर, है ना, इसका मान लो एक बटा तीन पाई का मान 22 बटा 7 8 10 गुणा 10 एच कितनी 8, कोई दिक्कत नहीं। 36 18 22 इक्वल 132 है ना, 22 इक्वल 132 दो जीरो के बटा 7 ये आया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आ गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है, एक चीज ये शंकु का आयतन। अब अपने को क्या करना है, ये पूरा भरा हुआ है यानी उसके अंदर जितने घन से भी पानी। अब इसको एक बेलनाकार बर्तन है उसमें डाला, इस पांच बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू पांच सेमी, बेलन की त्रिज्या कितनी 5 सेमी। अब अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन क्या होता है, अपने बढ़ाया नीचे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो एच इज इक्वल टू आयतन बेलन का आयतन बटा पाई बेलन की ऊंचाई एच इज इक्वल टू बेलन का आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू बेलन का आयतन कितना है, जितना इस शंकु का आयतन था, क्यों पानी तो वही तो उसमें डाला जाता है ना, जितना आयतन शंकु में था पानी का उतना ही आयतन बेलन में होगा। तो ये 13 200 बट्टा 7 बट्टा 22 बट्टा 7 गुणा आर स्क्वायर है कितनी बेलन की 5, तो 5 बट्टा 1 गुणा 5 बट्टा। अब देखो यह है संख्या ए बटा बी बटा सी बटा डी इस रूप में है ना, इसको अपन सरल करेंगे तो कैसे करते हैं, ए बटा बी गुणा डी बटा ऐसे करते हैं ना, यानी नीचे वाले संख्या जब गुणा में जाती है तो बदले जाती। अब एक्स इज इक्वल 13 200 बटा 7
गुणा 7/22 गुणा 1/5 गुणा 1/5 22 सात से सात, पांच से काटे तो 12 × 60 = 120। क्यों? पांच से 120 को काट दो, पांच दूने 10, तो ये बच्चे 120। h की वैल्यू कितना आया? 24। क्या आया? 24 सेंटीमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना था? बर्तन में पानी की ऊंचाई, बेलनाधार, बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। और ये इसके कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये प्रश्न कर ले।